Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about the use of as soon as. Comment box में एक साहब ने पूछा कि as soon as का क्या use है? तो चलिए friends देखें कि आप किस condition में as soon as का use कर सकते हैं. Friends, as soon as का मतलब होता है जैसे ही या जिम ही. अगर आपको कहना हो जैसे ही अध्यापक आए बच्चे खड़े हो गए, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए इस बात को एग्जांपल में समझते हैं. जैसे ही आप लिखेंगे एज सून एज अध्यापक आए. ये ट्रिक आपको पता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं. अध्यापक यानी द टीचर और आए का अंग्रेजी होगा केम. केम इसलिए कि यह बात गुजर चुका है और जब बात गुजर जाता है तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं. और हमारा दूसरा सेंटेंस है बच्चे खड़े हो गए. चलिए फ्रेंड्स इसको भी ट्रांसलेट करते हैं. चूंकि यह दूसरा वाक्य है तो आप उसको कॉमा से सेपरेट रखेंगे. बच्चे खड़े हो गए, सबसे पहले लिखा है बच्चे, हम लिखेंगे द चिल्ड्रन. पीछे से आगे की ओर आइए. खड़ा होना को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड अप, लेकिन ये बात गुजर चुकी है तो हम स्टैंड का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे जो होता है स्टूड अप. तो हम लिखेंगे स्टूड अप. तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ जैसे ही अध्यापक आए एज सून एज द टीचर केम बच्चे खड़े हो गए द चिल्ड्रन स्टूड अप. आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आए. जैसे ही आप लिखेंगे एज सून एज आगे लिखा है पुलिस आए. सबसे पहले लिखा है पुलिस, आप लिखिए द पुलिस. पीछे से आगे की ओर आइए. आए केम गुजरी हुई बात है इसलिए सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ. जैसे ही पुलिस आए एज सून एज द पुलिस केम. आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं. यह दूसरा हिस्सा है तो आप इसे कॉमा से अलग रखिए. चोर को कहेंगे द थीफ. भाग जाना का अंग्रेजी होता है रन अवे, लेकिन बात गुजर चुकी है तो आप लिखेंगे रन अवे. और ये कंप्लीट हुआ. चोर भाग गया द थीफ रन अवे. हमारा पूरा सेंटेंस है जैसे ही पुलिस आए चोर भाग गया. एज सून एज द पुलिस केम द थीफ रन अवे. आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके. ज्यों ही लोग पहुंचे दावत शुरू हुआ. चलिए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं. ज्यों ही एज लोग पहुंचे द पीपल और पहुंचना इंग्लिश होता है रिच, लेकिन हम लिखेंगे रिच्ड. ज्यों ही लोग पहुंचे एज सून एज द पीपल रिच्ड. आइए अब दूसरे वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं. इसे आप कॉमा से सेपरेट रखेंगे. दावत शुरू हुई. दावत को कहते हैं द डिनर और शुरू हुआ. शुरू होना को स्टार्ट कहते हैं, लेकिन बात गुजर जाए तो सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे वो होगा स्टार्टेड. द डिनर स्टार्टेड. एज सून एज द पीपल रीच्ड द डिनर स्टार्टेड. आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. जो ही मैं दवा लिया, मैं लिखूंगा एज सून एज मैं दवा लिया. सबसे पहले लिखा है मैं, तो मैं लिखूंगा आई लिया यानी टुक. लेना का अंग्रेजी टेक होता है, सेकेंड फॉर्म में टुक लिखा जाता है. और दवा को कहते हैं मेडिसिन. जो ही मैं दवा लिया एज सून एज आई टुक मेडिसिन मैं सो गया. चलिए इसको भी ट्रांसलेट करें. पहले मैं यहां पर कॉमा दे दूं. मैं सो गया. मैं का अंग्रेजी होगा आए और सो जाना का अंग्रेजी होता है स्लीप, लेकिन बात है पास्ट तो आप लिखेंगे स्लेप्ट. जो ही मैं दवा लिया मैं सो गया. एज सून एज आई टुक मेडिसिन आई स्लेप्ट. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आया होगा कि एज सून एज को कैसे यूज करना है. एज सून एज जो ही जैसे ही के लिए यूज किया जाता है.
जैसे ही पापा आए बच्चे टॉफी मांगने लगे। As soon as the father came, the children started to ask toffees. जैसे ही मैं वहां पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। As soon as I reached there, the train had gone. फ्रेंड्स, अगर आपको एज सून एज का टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। और हमारा सवाल है, जैसे ही खली आया लोग ताली बजाए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियोज आपके लिए काफी यूजफुल है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।